लेसन नंबर सेकेंड टॉपिक है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। सो इसके लिए डेफिनेशन है, डेफिनेशन द इक्वेशन, द इक्वेशन इन विच मैक्सिमम इंडेक्स is two and only one variable is known as quadratic equation. सो डेफिनेशन क्या लिखा हम लोग ने, कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम इंडेक्स ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स 2 होना चाहिए और उसमें सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसका जनरल फॉर्म होता है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो। सो जनरल फॉर्म हो जाएगा एक्स वेरिएबल में यूज़ करो, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर a is not equal to zero। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है। सो वो डेफिनेशन बेस पे ये सम दिया हुआ है। फर्स्ट वन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो इसमें हमें ये टू इक्वेशंस दिए हुए, टू सम्स दिए, हमें चेक करना कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो हम लोग डेफिनेशन यूज कर लेंगे। डेफिनेशन क्या था, कोई भी इक्वेशन रहेगा, द इक्वेशन इन विच मैक्सिमम इंडेक्स इज टू एंड ओनली वन वेरिएबल, मीन्स कोई भी इक्वेशन रहेगा उसका जो मैक्सिमम इंडेक्स या फिर पावर रहता है वो कितना होना चाहिए, टू होना चाहिए और उसमें वेरिएबल वन टाइप का होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले से हम का सॉल्यूशन करते हैं। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सो क्या बोलोगे, सिंस इन दिस इक्वेशन, चेक करो ना इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, टू है, मैं सबसे बड़ा जो पावर है टू है और वेरिएबल कितने टाइप्स के, वन टाइप्स के। सो क्या बोलोगे, इन दिस इक्वेशन मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज टू एंड ओनली वन वेरिएबल, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसमें हमें जस्ट चेक करना था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सो हमने चेक किया, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है और वेरिएबल 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। सो इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, ये इक्वेशन को ना पहले हम लोग ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करोगे, वाई स्क्वेयर फिक्स, 5y और माइनस 10 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, सो साइन चेंज हो जाएगा। 5y प्लस में फॉर्म करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट ना माइनस हो जाएगा। सो माइनस 5y माइनस टेन को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। सो सेम ना इसमें भी देखो मैक्सिमम इंडेक्स कितना हो रहा है, टू हो रहा है और वेरिएबल कितने हैं, वन है। सो इसको भी क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो। तो सेम सेंस करके और देयरफॉर करके सेम डेफिनेशन लिख लोगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, टू सम्स है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकेंड। इसमें हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट वन, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। सो हमें इसमें ना ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, उसके बाद में कंपेयर करेंगे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या फॉर्म होता है, अगर y वेरिएबल यूज़ करे हो, x वेरिएबल हम लोग ने यूज़ किया था तो क्या फॉर्म करे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे y वेरिएबल है तो x को हम लोग y से रिप्लेस कर देंगे। सो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये वाले फॉर्म में लेके आते हैं। सो जो पावर टू वाला टर्म रहता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो हम लोग
ये दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, सो माइनस वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, और टू वाई यहाँ पे सेम फिक्स है सो साइन वही रहेगा, चेंज नहीं करना है, प्लस टू वाई, टेन को शिफ्ट करो लेफ्ट हैंड साइड में सो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। सो इसको हम भाई स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, सो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो कंपेयर कर लो, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो इसका जो कॉफिशियंट रहेगा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। सो ए से कंपेयर करें, मीन्स यहाँ पे ए है तो यहाँ पे कितना, वन है, मीन्स ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। सेकेंड वाले टर्म को कंपेयर करो, यहाँ पे बी वाई है, यहाँ पे टू है, सो वाई तो सेम है, सो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू। नेक्स्ट में देख लो, यहाँ पे प्लस सी है और यहाँ पे माइनस टेन, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टेन, सो सी इज इक्वल टू माइनस टेन। सो हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे हमें ए बी सी मिल गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। सो यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, देखो कौन से फॉर्म में है, ये a माइनस बी के फॉर्म में है, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम फार्मूला हम लोग x माइनस वन के लिए यूज़ करने वाले हैं, सो जहाँ पे x a रहेगा वहाँ पे x पुट करना, और जहाँ पे b है वहाँ पे 1, सो वहाँ पे ए स्क्वायर है, ए के प्लेस पे कितना आ जाएगा x, सो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो सेम माइनस टू इन टू, ए मीन्स कितना x, b मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 1, सो 1 का स्क्वायर कर लो होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। सो x स्क्वायर सेम, इसको कैलकुलेट करो, सो 2 वन जा 2 प्लस इन टू माइनस माइनस, सो माइनस 2 वन जा 2 टू एक्स हो जाएगा, 1 का स्क्वायर सेम 1 इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, सो शिफ्ट कर लो यहाँ पे, सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, टू एक्स को मैं साथ में लिख रहा हूँ, सो शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, ये प्लस वन सेम, थ्री को शिफ्ट करो सो प्लस है तो माइनस माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू साइन सेम है तो हम लोग ऐड करेंगे, तो कितना मिल जाएगा, सेम साइन ऐड ना, सो माइनस फोर एक्स आएगा, और यहाँ पे प्लस वन माइनस थ्री, डिफरेंट साइन है सबट्रैक्ट करो, सो थ्री माइनस वन कितना मिलेगा, टू, ग्रेटर नंबर का साइन आंसर में आता है, सो माइनस टू हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, सो सेम ना कंपेयर करते हैं, सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर, वेरिएबल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो जनरल फॉर्म रहेगा वो लिखेंगे, सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो सेम कंपेयर कर लो, ए इज इक्वल टू सेम ना, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना माइनस फोर, सो माइनस फोर, एंड सी इज इक्वल टू माइनस टू। सो इसमें भी हम लोग ने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लिए।